पालपुर के कन्याशाला स्कूल में इन दिनों ऐसा नजारा लगा हुआ है जिसे आप देखेंगे तो सोचेंगे कि ये कोई कराटे की क्लास चल रही है या यहाँ की छात्राएं भी सेल्फ डिफेंस में इतनी एक्सपर्ट हैं। इनको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये चाहें तो किसी को भी पानी पिला दें। ये लड़कियां अपनी हिफाजत करना सीख रही हैं। ये लड़कियां मंचलों को सबक सिखाना सीख रही हैं। जी हाँ, देपालपुर के कन्याशाला स्कूल में लड़कियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है, जहां उन्हें मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की क्लास दी जा रही है। साथ ही लड़कियों को बतौर खिलाड़ी भी तैयार किया जा रहा है। प्रक्रिया शुरू करी गई है जिसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके कारण हमारे लिए बहुत सुविधा हो चुकी है। पहले हम अकेले आते थे, डर भी लगता था बहुत, खुद की रक्षा भी नहीं कर पाते थे। आज हमारे लिए अनेक प्रकार की सुविधा हो चुकी है। आज हमारे लिए एक और नया कार्यक्रम आया है जिसे बोलते हैं मार्शल आर्ट अपराजिता, जिसका मतलब है कोई अपराजित नहीं हो सकता है। प्रोत्साहन, हमें अलग से उत्साह आ रहा है हमारे अंदर, हम कभी डर भी नहीं सकते। अलग सड़क पर आए, चाहे अकेले जाए या किसी के साथ में जाए, कभी डर नहीं लगता है। सब हमारे साथ में रहते, खुद के लिए अच्छा भी कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस भी हमारे अंदर। देपालपुर के इस कन्याशाला स्कूल में अधिकतर छात्राएं ग्रामीण इलाकों की हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग और खेल युवा कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से इस पहल की शुरुआत की है, जिसमें 15 दिन के कार्यक्रम में 88 छात्राओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है और इनके टैलेंट को भी तराशा जा रहा है। आत्मरक्षा के रिगार्डिंग हमने प्रोग्राम करा है, जो कि खेल विभाग की तरफ, महिला विकास और शिक्षा विभाग की तरफ से हुआ गया है। यहाँ हम लड़कियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 15 दिन का एक कैंप है शिविर, जिसमें लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर बहुत टैलेंटेड भी हैं, तो आज का एटमॉस्फेयर है उसके साथ ही आगे निकले, आगे लेवल, अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश है हमारी इनको, कि हम बाहर ले जाकर इन्हें करवाएं। और जो आज का पेरेंट्स की थिंकिंग होती है गर्ल्स को लेके, उसे भी चेंज करने के रिगार्डिंग हमने ये रखा गया है, ताकि लड़कियाँ भी आत्मनिर्भर होगी, तो और लड़कियाँ आत्मनिर्भर होगी तो समाज भी आत्मनिर्भर होगी। बालिकाएं अपने खुद का सेल्फ डिफेंस कर सके, सीख सके और अच्छे से जवाब दे सके। और खेल और युवा कल्याण विभाग का मकसद ये भी है कि इसमें से टैलेंट सर्च होगा। 8 से 10 बालिकाएं खेल और युवा कल्याण विभाग की एकेडमी में चयन ट्रायल में इनका होगा और इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर, और आगे राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी और इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक की तैयारी भी कराई जाएगी वहाँ। सेल्फ डिफेंस की क्लास को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इनका कहना है कि यदि कोई छेड़ेगा तो ये छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि अब इनके पास आत्मविश्वास भी है और आत्म सुरक्षा का हथियार भी। विमल कुमार वर्मा, बंसल न्यूज, देपालपुर।